हेलो फ्रेंड्स, विक्की बादवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर वो क्वेरी जो आपसे सरोकार रखती है एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट्स, उसकी हर वो डिटेलिंग लेके आए जो आपकी नॉलेज बढ़ा सके एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट्स। हम कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्टेस्ट 8 आ रहा है इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड डैश एक इंफॉर्मेटिव चैनल है और हर इंफॉर्मेशन हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट आप तक लेके आए। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ शुरू करता हूँ आज का वीडियो, जो एक कलेक्टिव सी क्वेरी हमारे पास आई है इस हफ्ते। बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हैं, हर कोई बंदा इंडिया में क्रिकेटर नहीं बन सकता, इंडिया नहीं खेली जा सकती, बट हम जुड़े रहना चाहते हैं क्रिकेट के साथ। बहुत से रास्ते हैं आजकल, जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप क्रिकेट को प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकते हैं और आपका शौक भी पूरा हो सकता है, आपका पैशन भी पूरा होगा। कोचिंग, अंपायरिंग, मैच रेफरीज, इसके लिए बहुत से कोर्सेज हैं जो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, कोचिंग, बहुत सी आइटम्स, बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। मैं बात अपने लाइन की करूँगा, क्रिकेट इक्विपमेंट की। क्रिकेट इक्विपमेंट्स बनाना, बेचना, इसके साथ कैसे जुड़े रह सके, मैं ट्राई करूंगा जितना भी टाइम लग जाए हर वो क्वेरी, सो दैट कि आप प्रिपेयर हो सके कोई भी चीज, कोई भी स्टेप ऐसा उठाने के लिए जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। तो मैं बात करना चाहूंगा कि आप क्रिकेट इक्विपमेंट्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप सबकी बहुत सी क्वेरीज थी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसका ट्राई करूंगा, एक वीडियो, दो में, तीन में, जितने में भी आंसर हो सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हम पहले वीडियोस में कह चुके हैं कि ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसका स्पैन वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पाकिस्तान में सियालकोट से होती है, क्रिकेट बैट्स जम्मू कश्मीर में भी बनते हैं, जलंधर और मेरठ एक मेन हब है क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये इंडस्ट्री सियालकोट से चली थी और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसे से ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जो फॉर्चुनेटली हमारे सिटी में जलंधर में अवेलेबल है, मेरठ में अवेलेबल है, J&K में अवेलेबल है और पाकिस्तान के सियालकोट में अवेलेबल है। बाकी किसी भी जगह के ऊपर अगर आप ये सोचते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्किल्ड लेबर चाहिए होती है जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ इन सिटीज़ में होती हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। कोई भी बंदा या कोई भी बिजनेसमैन, जितना मर्जी बड़ा क्रिकेटर हो, उसके पास पैसे हैं, अगर उसके माइंड में ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं क्रिकेट इक्विपमेंट बना सकता हूँ किसी भी शहर में, तो आप ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। आप पैसा लगा सकते हैं, आप सम हाउ रॉ मटेरियल भी अरेंज कर सकते हैं, बट जो लेबर इन्वॉल्व है, जो क्राफ्ट्समैन इस चीज़ को बनाते हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। कोई एक दो महीने के लिए आपके सिटी में जाके काम कर सकता है, बट परमानेंटली कोई भी वर्कर अपने घर छोड़ के आपके सिटी में नहीं जाएगा। अगर आप बहुत जोर लगा के मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल कर भी लोगे, तो उसकी जो कॉस्ट बैठेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग नियर टू इम्पॉसिबल है अदर देन दीज सिटीज, उसका मोटा मोटा रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर दिन हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड शॉप्स हैं, हमें पैड ग्लव्स का रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हम फ़ोन करते हैं आधे घंटे में फैक्ट्री में आता है।
क्रिकेट की ग्रिप्स बनाने की फैक्ट्रियां जहाँ हैं, और जितना भी क्रिकेट बैट्स में रॉ मटेरियल लगता है, सब की फैक्ट्रीज, सब की अवेलेबिलिटी इन सिटीज में बहुत ज्यादा है। एक फोन के ऊपर सारा माल आता है। आप अगर यही चीज चेन्नई में करना चाहेंगे, बेंगलोर में करना चाहेंगे, तो आप छोटी छोटी चीजों का ओवर स्टॉक करेंगे, खराब होने का डर है, नई इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे, बहुत से प्रॉब्लम हैं, बहुत सी चीजें हैं, जिससे कि आप शुरू तो कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में अगर ऐसा हो सकता होता तो ये इंडस्ट्री 1947 के बाद इन्हीं शहरों तक सीमित ना रह जाती। आज की डेट में बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई में बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होनी थी, नहीं हुई। उसका रीजन यही है जो मैंने आपको बता दिया है। अब क्रिकेट इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग के बारे में, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप क्रिकेट की इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप शॉप ओन कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट बेस है, क्योंकि ये जो भी इंडस्ट्री या जो भी आप शॉप करोगे, ये आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर चलेगी। आप क्रिकेटर रहे हैं, आपके कोचेज नोन हैं, आपकी सभी एकेडमीज में कोई ना कोई से है, तो आपका काम अच्छा खासा चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भी मेरा भाई चेन्नई में बैठा है और उसको ट्रेडिंग करनी है, या मेरा कोई भी भाई इंदौर में बैठा है, भोपाल में बैठा है, उसको ट्रेडिंग करनी है इस चीज की, उसके पास शॉप है, तो उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये बिल्कुल माइंड में निकाल दीजिए कि हम क्रिकेटर हैं, हमने सारी उम्र यही काम किया है, तो हम क्रिकेट इक्विपमेंट इजीली बेच लेंगे। ऐसा नहीं होता। खेलना अलग चीज है, बाय करना और उसको बेचना ये अलग चीज है। क्रिकेट इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग, आप इंदौर में बैठे हैं, आप भोपाल में बैठे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपके पास लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं भी नहीं चाहूंगा कि बिना किसी भी काम को सीखे हुए एकदम से पैसा लगा देना, पैसा वेस्ट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी काम नया करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज गेन करनी चाहिए। पैसा लगाने से पहले आप पूरा होमवर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, डिफरेंट शॉप्स पे जाके देखिए कि क्या आइटम सेल होती है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा बिकता है, कौन सी प्राइस रेंज ज़्यादा बिकती है, कौन सा ब्रांड आप बेचोगे जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप एक्सक्लूसिव क्या करके दोगे कि 10 दुकानें छोड़ के कोई कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। ये सारी चीजें कम से कम 6 महीना लगा के, पैसा लगाने से पहले आई विश कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, फिर कोई भी काम करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यही 3 सिटीज में सारा माल मिलना है, तो आप को फ्रीक्वेंट यहाँ पे विजिट करना होगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की होलसेल मार्केट्स हैं, आप विजिट कीजिए, प्राइस कंपेयर कीजिए। मैं एडवाइज नहीं करूँगा कि आप सीधा ही मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं और उनको बोलें कि हमें डीलरशिप दीजिए, हम ये क्वांटिटी उठाएंगे, क्योंकि डीलरशिप अगर आप किसी भी कंपनी की मांगते हो, तो उसमें एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, आप फंस जाओगे। आप हमारे पास नहीं आइए, बिल्कुल ना आइए। आपको अगर कोई भी शॉप नई शुरू करनी है, आप रिसर्च कीजिए, आप हमारे पास आइए, नॉलेज लीजिए, शेयर कीजिए अपने व्यूज, मार्केट सर्वे कीजिए, और जो भी चीज आप कंपेयर कीजिए प्राइस की, आपके सिटी में ये क्या चीज रेट में मिलती है, ये चीज किस रेट में यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसके लिए भी एक हेल्दी 2-3 महीने लगते हैं। वंस आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आई विश कि इन्वेस्ट कीजिए कंपनीज या मैन्युफैक्चरर के पास, इनिशियली मत भागिए। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, हर कोई बंदा चाहता है कि मैं एंड सोर्स से लूंगा, एंड फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट से बाय करूंगा तो मुझे सस्ता मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, बट आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी,
आपको क्या बाय करना है, आप सिर्फ हमारी सेह पे ले जाएंगे। कई बार वो गलत भी हो सकती है एक्सेसमेंट। आप हमारे पास आइए, हम गाइड आपको करेंगे कि आपको क्या बाय करना है, आपको क्या बाय नहीं करना है। हमें आपकी हेल्प करके बहुत खुशी होगी। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और आपको सिर्फ एक ब्रांड नहीं रखना होगा, आपको मल्टी ब्रांड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर आएंगे। कोई ये ब्रांड मांगेगा, कोई ये ब्रांड मांगेगा, आपको सभी वैरायटी रखनी पड़ेगी। देन जब आपको एक प्रॉपर 5-6 महीने काम करते हो जाएंगे, तब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि तब वो टाइम होगा जब आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने में आपने जो परचेजिंग की है उसमें से कौन सी आइटम सबसे फास्ट बिकी है और कौन सी आइटम स्लो बिकी है। तब आप हमें आके सिर्फ ये कहेंगे कि हमें ये मॉडल निकालो। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, आप उसको डायरेक्टली गाइड करोगे कि हमें ये मॉडल चाहिए, हमें ये नहीं लगता, हमें ये नहीं चाहिए। तब धीरे धीरे काम शुरू होगा। आपको 2-3 साल हो जाएं काम करते हुए, तब आप कंपनीज के पास जाएं, उनकी डीलरशिप मांगें, हम रिव्यू करेंगे आपकी सेल्स, हम आपसे एक कमिटमेंट लेंगे कि कितना आप हमारा माल सेल कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये इजी काम नहीं है, ये हर काम की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपका पैशन क्रिकेट है और आप अपना पैशन परस्यू कर रहे हो, और आप इस काम को करते हुए बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि जब किसी का पैशन उसका प्रोफेशन बन जाता है तो उसमें बड़ा मजा आता है। बहुत सी और गाइडेंस हैं जो अगले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा, किन एरियाज में क्या आइटम सेल होता है, कहाँ से आप ले सकते हो, और भी बहुत सी चीजें आने वाले वीडियो में आती रहेंगी। कॉन्टेस्ट 8 का क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपको 3 फरवरी तक लास्ट एंट्री भेज देनी है। हम उससे अगले वीडियो में विनर डिक्लेयर करेंगे। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है, और इस वीडियो को आगे से आगे भेजना है कि सबको मौका मिल सके हमारे पिछले विनर शुभराज जी की तरह एक टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विलो बैट जीतने का मौका। तो आज का कॉन्टेस्ट है, आपको उस प्लेयर का नाम गैस करना है जिसने वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। आई रिपीट, यू नीड टू गैस द नेम ऑफ प्लेयर हु हिट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल इन सिंगल इनिंग। हमें आपकी रिप्लाइज की वेट रहेगी। आप 3 फेब तक अपनी रिप्लाइज भेज सकते हैं, और आगे से आगे भेजिए। हमें बहुत सपोर्ट मिलती है जब वीडियो बहुत आगे से आगे भेजते हैं, हमें क्वेरीज आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत माइन्यूटली एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुनते हो और पिन पॉइंट करके हमें कमेंट्स में बताते हो कि पाजी आपने ये ऐसे बोला था, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, और थैंक्स अ लॉट इसके लिए। ये आपकी अफेक्शन है जिसकी वजह से हम कैरी ऑन कर रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट।